CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे। माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है। बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो? हाँ, बोलो, क्या हुआ? घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए। अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ। गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जी हाँ। हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए। हाँ, उपाय बताइए। तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी। ग्राम सभा? ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा। हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है। बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं। जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे। तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो। वो कैसे? क्या गड्ढा बनाना है? तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है, फिर इसकी क्या जरूरत है? हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा। वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे। नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ। हाँ हाँ, हमें भी बताओ। हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा। सिंचाई टैंक? ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े। इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी। अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।